प्रद्युम्न के लिए इंसाफ की मांग को लेकर रुयान इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जुटे पेरेंट्स पर पुलिस ने चलाई लाठियां। लाठीचार्ज के दौरान कई मीडियाकर्मी और पेरेंट्स को आई चोट। पंजाब केसरी के पत्रकार की टूटी हड्डी। पुलिसकर्मियों पर मोबाइल फोन तोड़ने का भी आरोप। गुरुग्राम के 7 साल के प्रद्युम्न की स्कूल में हत्या के बाद से गुस्से में लोग। रियान स्कूल के करीब शराब के ठेके में भी लगा दिया आग। लोग अपने बच्चों को रियान स्कूल भेजने को लेकर दिखे खौफजदा। कहा जांच पूरी होने तक बच्चों को नहीं भेज सकते स्कूल। रियान स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। प्रद्युम्न मर्डर केस में रियान। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के अनुसार कमिश्नर दफ्तर में हुई बैठक में रियान की मान्यता रद्द करने पर भी हुआ विचार, लेकिन पेरेंट्स ने 1200 बच्चों की शिक्षा का दिया हवाला। मंत्री रामविलास शर्मा ने दी चेतावनी। प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच में जिससे भी चूक होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे हम। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में रियान इंटरनेशनल स्कूल से महज 27 कदम दूर बने शराब के ठेके का लाइसेंस रद्द किया। आज तक ने उठाए थे सवाल। गुरुग्राम में प्रद्युम्न के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का लगा तांता। बिहार में मधेपुरा के सांसद पप्पू भी पहुंचे। इस घटना से आप क्या कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर बच्चों की स्थिति, हर एजुकेशन माफियाओं की स्थिति, हर परिवार पर इसी तरह सामने आई। 7 साल की प्रद्युम्न की मां को लिखी अंतिम चिट्ठी। मदर्स डे पर लिखा था हिंदी में पत्र। मां तुम मुझे डांटती हो तो लगता है प्यार कर रही हो। 7 दिन में पुलिस दायर करेगी चार्जशीट। फास्ट ट्रैक अदालत में केस चलाने की मांग। पुलिस ने रियान इंटरनेशनल स्कूल को सुरक्षा मुहैया कराने वाली सिक्योरिटी एजेंसी की मान्यता रद्द की। प्रद्युम्न के परिजनों को पुलिस की थ्योरी और कंडक्टर के कबूलनामे पर भरोसा नहीं। प्रशासन पर सवाल। प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी अशोक के बचाव में आ गया है गांव वाले। पुलिस पर अशोक को फंसाए जाने का लगाया आरोप। अशोक के गांव के लोगों ने कहा तफ्तीश में अगर सिद्ध होता है अशोक का गुनाह तो उसके परिवार का होगा सामूहिक बहिष्कार। हरियाणा के धमरोज गांव का रहने वाला है अशोक। बहन ने रियान की निलंबित प्रिंसिपल और पुलिस पर अशोक को फंसाने का आरोप लगाया। रियान इंटरनेशनल स्कूल में बड़ी लापरवाही के बीच फतेहाबाद में आज खट्टर की रैली। रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बस का इस्तेमाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया पर लाठीचार्ज की निंदा की। प्रद्युम्न हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने मीडिया पर हमले की निंदा की। कहा खट्टर माफी मांगे। लेफ्ट नेता डी राजा ने भी गुरुग्राम में अभिभावकों और मीडिया पर हमले की निंदा की। खट्टर सरकार पर सवाल उठाए। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा प्रशासन पर भरोसा, इसे सभी को बनाए रखना होगा। कर्नाटक के बेलागावी में शराबी पर नाबालिग से बलात्कार के बाद जिंदा दफनाने की कोशिश का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के स्कूल में दरिंदगी। गांधीनगर के टैगोर पब्लिक स्कूल में 5 साल की बच्ची से बलात्कार। घर लौटने पर बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का खुलासा। बच्ची ने बताया टोपी वाले अंकल ने की गंदी हरकत। लड़की ने भी बताया लड़के उसे पहचान नहीं, नाम नहीं जानती खाली उसका। और जहाँ पुलिस वाले आए, पुलिस वाले करवा के बस चले गए, कोई सुनवाई अब भी नहीं। बच्ची के बयान पर आरोपी गिरफ्तार। स्कूल के बाथरूम में बच्ची को बनाया शिकार। सर हम रोज एक रात को रिक्शा चलाते, एक रात को पीते एक वाटर रोज। नहीं तो आपको भी लेके क्यों? बच्ची ने आपको पहचाना भी तो है। हमें ये सब कुछ नहीं पता। बस। मुरादाबाद में कराटे सिखाने वाले शिक्षक पर यौन पीड़िता ने लगाया आरोप। परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। हैदराबाद के स्कूल में भी हैवानियत। 7 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप। दिल्ली के रनहौला से अफवाह बच्चा बरामद। सीसीटीवी से मिला सुराग। आरोपी ने बच्चे के परिवार से मांगी थी 10 लाख की फिरौती। सभी घर में रहने वाले किराएदार।
उन्नाव में 4 साल के बच्चे के नाम आया पुलिस का नोटिस, शांति भंग करने कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। श्रीनगर दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह अनंतनाग में सीआरपीएफ के समारोह में हुए शामिल। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ के जयंती समारोह का आज अंतिम दिन, सीएम योगी हुए शामिल। पंजाब के कैप्टन सरकार के मंत्री सिद्धू ने 80 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया, अकाली बीजेपी सरकार की वक्त इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में घोटाला। 80 करोड़ के घोटाले में सिद्धू ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के 7 ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की दी जानकारी। तमिलनाडु में पलानी सरकार को घेरने की तैयारी, स्टालिन की अगुवाई में कांग्रेस, डीएमके के विधायक राज्यपाल से मिलेंगे। जेल में राम रहीम की तबीयत बिगड़ने की खबर, पीजीआई से डॉक्टर्स की टीम पहुंच। एरिया की तलाशी के दौरान राम रहीम के अय्याशियों के सबूत, कई लग्जरी गाड़ियां बरामद। डेरे से मानव अंगों की तस्करी का अभिषेक, लखनऊ मेडिकल कॉलेज को 14 डेड बॉडीज भेजने की खबर। राम रहीम के हरियाणा सरकार से मिली भगत का खुलासा, सिरसा डेरा में बिना लाइसेंस चल रहा था सिनेमा हॉल, 10 साल में गुरमीत के सिर्फ एक फिल्म से वसूला गया टैक्स। पंचकुला हिंसा के लिए 5 करोड़ की सुपारी देने वाले चमकौर सिंह और दान सिंह गिरफ्तार, राम रहीम की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस का कमांडो करमजीत भी गिरफ्तार। भागलपुर में रैली के दौरान लालू ने नीतीश पर जमकर वार किया, पलटू राम दिया नाम। लालू ने कहा नीतीश ने तेजस्वी में सीएम मटेरियल देखकर मारी पलटी, बोले उन्हें पता नहीं तेजस्वी उनकी मर्जी के मोहताज नहीं, जनता बनाएगी तेजस्वी को सीएम। यूपी के चित्रकूट में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक के बाद खाने के इंतजाम पर हंगामा, टोकन मांगने पर भड़क गए पदाधिकारी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के भाषण के दौरान कई नेता ऊंघते हुए नजर आए। बाराबंकी में फोटो खिंचवाने के लिए भरे मंच पर भिड़ गए बीजेपी विधायक और पूर्व एमएलसी, डीएम के दखल के बाद मामला शांत। गाजीपुर में मनाया गया परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का शहीदी दिवस, 1965 के जंग में हुए थे शरीर। चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर एक कांस्टेबल को किया सस्पेंड, मोबाइल देखते हुए बाइक चला रहा था सिपाही सुरेंद्र सिंह। समस्तीपुर पुलिस ने फ्रिज से लदे ट्रक में 10 लाख की विदेशी शराब पकड़ी, 4 गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2 पिस्टल के साथ 4 सुपारी किलर गिरफ्तार। लखनऊ के आलमबाग में इको गार्डन पार्क में लाखों की मूर्तियां चोरी, पार्क में लगी कांसे की मूर्ति चुरा ले गए चोर, सुरक्षा गार्डों को भनक तक नहीं लगी। भुवनेश्वर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा ढहा, 2 लोगों की मौत, कई मजबूर दबे। झारखंड के खूंटी में हार्डकोर नक्सली गुरु पाहन गिरफ्तार, जनता अदालत में 5 लोगों की हत्या का आरोपी। मनसा के गांव में सरपंच और सहयोगी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में गौरीहर गांव के पास एक शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा, लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। पठानकोट में धरने पर बैठा करगिल युद्ध लड़ने वाला जवान, करीब 2.5 लाख की जालसाजी के शिकार जवान ने कहा देश के दुश्मन से जीता लेकिन सिस्टम से हारा।